बहुत सारे हाथों ने मिलकर इसको नोचा है, तो ये तुम्हारी वजह से हुआ। तुम अपने फैसले कर सकती हो, दोस्तों वाली बात है। अपना मकसद आ गया तो आप दोस्ती ले आए बीच में, अब इसके साथ जो ज्यादती कर दी गई है, समझ नहीं आ रहा। क्या तुम वो अब भी एतमाद के साथ कह सकते हो लव यू कहा था और मोहब्बत का इजहार किया था तो मुझे पागल तो होता। ये कुछ चीजें ना कंफ्यूजन पैदा कर रही है मुसलसल। मुझे नहीं समझ नहीं आ रही कि जब उसको सच्चाई पता चल गई है तो अब वो उस घर में क्या कर रहा है, क्योंकि बाप भी अभी जब वो बाप ने तो निकाल दिया था उस घर से, कभी यहाँ पे नहीं आना। अभी हमने एपिसोड में सीन देखे जब वो तस्वीरें उसके घर जाता है, इसके बाप के घर जाता है, सिकंदर के घर, वहाँ वो तस्वीर देखे, फ्लैशबैक देखता है, वापस हम कट कर कर आते हैं, ये यहाँ खड़ी होती है, फिर इससे बात कर, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो इवन मैं राना भी कहते हैं वो तो तुम्हारे घर में सुख मौजूद है। हाँ, वो डायलॉग तो ये कुछ चीजें ना कंफ्यूजन पैदा कर रही है मुसलसल कि क्यों, मतलब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो फिर उसका वहां होना नहीं चाहिए। जी जी मरीन जी, मैंने कहा उस सीन को बिल्कुल एक मिनट में क्लियर कर सकते थे कि वो अपने कपड़े पैक कर रहा है और अपनी चीजें निकाल और अब जा रहा है, और वो हमें पता है, यू नो वी टेक्निकली नो बट इट्स कंफ्यूजिंग, यू डोंट से इट, यू डोंट, जिसमें वो जुमला कहती क्या तुम वो अब भी एतमाद के साथ कह सकते हो, तो कहता हाँ मैं अब भी कह सकता हूँ एतमाद के साथ, क्योंकि वो मैंने अपने लिए तुम्हारे लिए कहा था मासूमियत पे, तो वो अपना सामान लेता और चला जाता। तो ये कुछ चीजें ना मुझे बड़ी अभी भी मुझे समझ ही नहीं आया कि ये अचानक वो कहता तो जाते कि मैं जा रहा हूँ, ये थोड़ा गरीब तो कह दो। अच्छा खासे ड्रामे को ना इन्होंने लिटरली एक होता है ना उसको यूं करके डम निकालना, ये मुझे लगता है बहुत सारे हाथों ने मिलके इसको नोचा है, इस ड्रामे को यूं 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 करके इसको इतना नोचा है, इतने चीथड़े किए हैं ना इसके कि ये ड्रामा अब इनसे खुद भी नहीं सिल रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि आप करें तो करें क्या, तो पीस नहीं मिल रहे, वो खा गया बाजू। हाँ, सीरियसली यही हुआ, ये पजामे का पैंट किधर गया, यहाँ तो रखा था भाई किधर चला गया, सीरियसली यही हुआ है अब इस ड्रामे के साथ। तो सो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मैं बिल्कुल यूं ही हूँ, अर्तुरुल बन जाता जैसे मैंने कहा था कि पहले जब बताया था आई लव यू कहा था और मोहब्बत का इजहार किया था, तो कहता ना हलीमे की तरह खुशियां मनाता, तो इस तरह उसके पीछे पागल तो होता है। हाँ। पागल ही नहीं हुआ exactly. आपने इतनी एफर्ट की है सारी चीज के लिए, जब उसकी वो एफर्ट रिवील होने वाली थी उस वक्त भी एक्सप्रेशन बहुत डेड थे। हाँ। कि जब हिना बताने वाली वो बतानी लाइक ओके फाइन। मुझे जैसे भी नादिया ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अम्मा के साथ अब्बा का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा, वो दो सीन मुझे भी बड़े टची लगे जब बाप कहता अच्छा तुम अपने घर जाओ, तो बिल्कुल ही बेटी के लिए अपना ही घर पराया हो जाता है, वो बड़ा फील किया। अच्छा मेरे ख्याल ये हमारे यहाँ के माशरे में मर्द की सबसे वीकेस्ट पॉइंट आप कहें या सबसे मजबूत ताकत इसकी समझें कि मर्द को गुस्सा चाहे बच्ची पे आए, बेटे पे आए, माँ पर आए, भाई पर आए, उतरेगा बीवी के ऊपर ही। वो बार बार ही कहते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी नाअहली की वजह से हुआ, तुम्हारी बेखबरी की वजह से हुआ। अरे अब वो इस उम्र में कोई कैमरे लगा के स्पाई थोड़ी करती रहेगी अपनी, अगर थोड़ी जबान दराज बीवी होती ना कहती कि लेके तो आप इसको आए थे घर में, तो आपने रखा था, ऊपर वाला कमरा तो आपने दिया था, बेटा तो पहले आपने बनाया था, और बल्कि माँ ने दो लम्हे के लिए अगर आप लोगों को शुरू के एपिसोड याद हो वो मना करती है, उसने मना किया था कि हमारी दो जवान बच्चियां हैं और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। तो जब आप इतना लिबरल दिखा रहे हैं अपने आप को, आपने अपनी सोच इतनी बड़ी दिखाई और आप एक ऐसी पोज पर है जहाँ आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ने दिया, इतना उसको पावर दी ना कि तुम अपने फैसले कर सकती हो, अचानक इस बात पर आके आप कैसे इतने छोटी सोच के मालिक हो गए। फिर अगेन मुझे बहुत अच्छा सीन लगा जब वो लेकर आते हैं नाश्ता और कहता है अच्छा आज जरा हमारे दरमियान दोस्तों वाली बात है, कहते ये अच्छा है जब चाहते दोस्त बन जाते हैं, जब चाहते हैं बाप बन जाते हैं। वेरी नाइस, गुड लाइंस। ये लाइन अच्छा, जब चाहते दोस्त बन जाते हैं, मैंने कि अपना मकसद आ गया तो बाप दोस्ती ले आए बीच में कि चलो दोस्त बन के बात करके बात को ही हैंडल, जब बाप बनना होता तो अब बाप बन के फैसला सुना देते, तो वो एक बहुत अच्छा और ये हमारे वालदैन हमारे साथ करते वो हमें इमोशनली सोशली मोरली हमें कहीं ना कहीं इस तरह ट्रैप करते हमारे वालदैन, वो किसी भी क्लास का, उसमें लिए जरूरी नहीं है कि शिब्रा के बाद डिस्कशन हुआ था मीना जी से मेरा रास्ते पे याद है। तो ये होता है, तो ये मुझे सीन बहुत अच्छे लगे और कुछ ऐसे ही सीन ये ड्रामा बहुत अच्छा लिखा। मैंने शुरू में कहा कि इसको इतना नोचा गया है, इसको इतना उधेड़ा गया है,
कि इसके ना पांचे का पता चल रहा है सही, उसने कहा ना कमीज का पता चल रहा है ना आसिन का, लेकिन ये लिखा हुआ बहुत अच्छा और डायरेक्ट बहुत अच्छा किया हुआ ड्रामा था। अब इसके साथ जो ज्यादती कर दी गई है उसको सामने रखते हुए हम पिछली डायरेक्शन भूल नहीं सकते, वो बहुत अच्छा काम था। अल्लाह करे इसका वाइंडअप कोई एक अच्छे उसमें हो जाए। और इसके साथ ये भी हुआ है जो नादिया ने कहा कि शायद इनको खुद भी नहीं पता था ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा ड्रामा। तो समटाइम बाकी ना आर्टिस्ट को पता होता है ना डायरेक्टर को पता होता है कि वो ड्रामा कितना हिट जाने वाला है। तो एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर का नंबर जो है वो मेरा ख्याल है वो 7 तो होने चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारे दिए, मैं ज़्यादा नहीं दे पाई अभी के लिए। जब भी आर्टिस्ट को ग्राउंड मिलता है तो वो खेलता है, उसको जब जब डायलॉग्स मिले उसने बहुत अच्छे डिलीवर किए, उसने सीन्स अपने बड़े अच्छे परफॉर्म किए। अभी भी इन एपिसोड में 2-3 सीन ऐसे थे जो उसने बहुत अच्छे परफॉर्म किए। तो अब जब उसके पास कुछ करने को ही नहीं है तो वो बेचारी खुद से तो लिखने से रही, तो जब वो कर रही वो बहुत कमाल कर रही है, तो आई थिंक 7 तो बनते हैं। 7, वेरी गुड जॉब। अगेन वही बात, जब करने को कुछ नहीं है तो आर्टिस्ट कुछ नहीं कर सकता, तो उसके पास जहाँ जहाँ मार्जिन था उसने कर लिया। लेकिन कुछ बातें जैसे आपके पास अगर डायलॉग नहीं है तो आपके पास एक्सप्रेशन बहुत कुछ कहने के लिए होते हैं। शिब्रा के पास बहुत सी जगहों पर डायलॉग नहीं थे लेकिन उसकी आंखें, उसकी पूरी बॉडी बोल रही थी। जैसे उसकी बहन के साथ उसका सीन, जैसे कि उसके बिलाल के साथ ही जो उसका सीन था उसमें उसके एक्सप्रेशन बहुत कमाल थे। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ें में आपके एक्सप्रेशन आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इन एपिसोड में मुझे बिलाल का काम उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा जितना पहले लगता आया है। तो मेरे पास इतना देने को कुछ नहीं है, बट फिर भी क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे लोग पाकिस्तान खासतौर पर उसे पसंद कर रहा है और उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो मेरी तरफ से 7। 7, वेरी गुड जॉब नादिया। सिर्फ इस एपिसोड की बात हो रही है, सीन्स थे नहीं और जो हुआ है बिल्कुल अजीब बात है। बाकी बिलाल ने इम्प्रेस नहीं किया, जो सिचुएशन जो सीन थे भी आई डोंट नो समहाउ वो हिट नहीं किया। बिलाल का काम अलग होता है। बिलाल के सीन जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो एक्सप्रेशन दे देता था। इस दफा क्या हुआ, सीन ही नहीं लिखे हुए थे। हालांकि रोया भी है लेकिन मुझे कुछ फीलिंग नहीं आई। मुझे बाकी दुर्गा फिशा की एक्टिंग इस देखे ना बनता है जहाँ है वहाँ करने थे, लेट हर टेक द लाइमलाइट, शी वाज मोर इम्प्रेसिव, ही वाज नॉट। तो नंबर्स 6, गुड जॉब। 7,104, 7,104, 6.4. Not bad, Robert. कितने? 7,000. 7,000. बिलाल को बिलाल नहीं टक्कर दी हुई थी ना, तो 1,000 वो अब्दुल्ला वहां से लेके अब्दुल्ला का